हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत के महान ग्रंथों और काव्यों का संपूर्ण संकलन, सब्सक्राइब करें तिलक। कई तरीके की एलईडी लाइट्स आपके घर और ऑफिस के लिए। जीआर एलईडी लाइट्स, मेक इंडिया ब्राइट। जिन दो मुनि कुमारों ने पकड़ा है उन्हें हमारे सामने उपस्थित करो। कहां है वो? श्रीमान, आपको क्या हम मुनि कुमारों जैसे नहीं दिखते? तुम तो बहुत छोटे हो, ऐसा दुस्साहस कैसे कर सकते हो? यह आपको किसने कहा कि जो छोटे होते हैं वह दुस्साहस नहीं कर सकते? बिच्छू बहुत छोटा होता है परंतु अपने विष से ऊंट को भी मार सकता है। छोटा संकुश बड़े मत वाले हाथी को भी सीधा कर देता है और छोटा सा मंत्र भगवान को वश में कर लेता है। बहुत अनर्गल बातें करते हो, हम जो पूछते हैं उसका उत्तर दो। पहले आप हमारे प्रश्न का उत्तर दीजिए, क्या आप अयोध्या के महाराज राम हैं? नहीं, मैं उनका छोटा भाई लक्ष्मण हूँ। भैया, फिर धोखा हो गया। क्या आपके महाराज राम हमारे सामने आने से डरते हैं? क्या बकवास करते हो? क्रोध ना करें श्रीमान, क्रोध से ज्ञान नाश होता है और ज्ञान का नाश होने से बुद्धि भटक जाती है और बुद्धि के भटकने से मनुष्य का पतन हो जाता है। मैं यहाँ ऋषि मुनियों का प्रवचन सुनने नहीं आया हूँ। मुनियों के पास आएंगे तो उपदेश ही मिलेगा, उससे आपका हित भी होगा। मेरे हित की चिंता मत करो, मैं कहता हूँ दोनों अपराधियों को मेरे सामने उपस्थित करो। जिन्होंने हमारे महाराज के यज्ञ का घोड़ा पकड़ने का दुस्साहस किया है मैं उन्हें दंड देने आया हूँ। दोनों अपराधी आपकी सेवा में उपस्थित हैं, आप दंड निर्धारित कीजिए। तुम दोनों? नहीं नहीं, तुम हो ही नहीं सकते। ऐसे कोमल छोटे छोटे हाथ और ये छोटे छोटे धनुष
तुम वो हो ही नहीं सकते। और यदि तुम वो हो भी तो ऐसे सुकोमल बालकों को दंड देने की इच्छा नहीं हो। ला हमारा घोड़ा हमें लौटा दो और जाओ, जाकर बालकों के साथ खेलो। ये तो अच्छी बात है कि आप हमें दंड नहीं देना चाहते, परंतु हम आपको घोड़ा नहीं देना चाहते। घोड़ा चाहिए तो महाराज राम से कहिए कि हमने घोड़े के मस्तक पर लिखी उनकी चुनौती स्वीकार कर ली है, हमसे स्वयं आकर युद्ध करे, बार बार छोटे भाइयों को भेजकर हमारा समय नष्ट न करे। लगता है तुम तो दया के पात्र ही नहीं हो। मैं तो तुम्हारी अवस्था पर दया करके तुम्हारे अपराध क्षमा कर रहा था। आप अपराध क्षमा कर रहे थे? ये तो न्याय के विरुद्ध है। अपराधी को दंड अवश्य मिलना चाहिए। आपकी अयोध्या में तो निर्दोषों को भी दंड देने की रीति है। अयोध्या में किसी निर्दोष को दंड नहीं दिया जाता। अच्छा, तो महारानी सीता का क्या दोष था जिन्हें इतना महान दंड दिया गया? तब आपके हृदय में क्या कोई दया नहीं थी? फिर आज कहां से आ गई ये दया? कौन हो तुम लोग? अपराधी जिन्होंने अयोध्या पति के यज्ञ का घोड़ा पकड़ने का दुस्साहस किया है। यदि हमें दंड देने की इतनी इच्छा है तो अपने मन की आकांक्षा पूरी कर लीजिए, अन्यथा आराम से वापस चले जाइए। हमें आपसे कोई काम नहीं है। हमें तो केवल महाराज राम से बात करनी है। आप हमारा समय नष्ट न करें। मूर्ख बालक, तुम नहीं जानते कि तुम किसका अपमान कर रहे हो। मैं तुम दोनों को एक क्षण में भस्म कर सकता हूँ। देर मत लगाइए, नहीं तो ये क्रोध ठंडा हो जाएगा, फिर कुछ नहीं होगा आपसे। मेरे क्रोध से डरो बालकों, मैं वो लक्ष्मण हूँ जिसने मेघनाथ को मारा था। पहले आप में सिर्फ क्रोध ही था, अब अहंकार भी आ गया है। ये दोनों अवगुण आपकी पराजय के चिन्ह है। तुम बड़े चपल और वाचाल हो, पहले मैं तुम्हारी जीवा तो काट लूं। कश में अक्षुण तीर है, लक्ष्मण लव कुश रघुकुल की संतान है, पर अपने संबंधों से अनजान है। तीर न देखे रिश्ते नाते करते अपना काम। छिड़ा संग्राम छिड़ा संग्राम छिड़ा संग्राम।
क्या लक्ष्मण भी घायल हो गए? जी महाराज, बहुत घमासान युद्ध हुआ। दोनों ओर से दिव्य अस्त्र चलाए गए, परंतु एक शक्ति लगने से कुमार लक्ष्मण बुरी तरह घायल हो गए। प्रभु, ये साधारण बालकों का काम नहीं हो सकता। या तो कोई मायावी है या कोई दिव्य बालक। कोई भी हो, परंतु लक्ष्मण और शत्रुघ्न जैसे योद्धाओं को जो पराजित कर सकें, वो परम शक्तिशाली अवश्य हैं। महाराज, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं इसी समय प्रस्थान करता हूं। प्रभु, मुझे भी कुमार भरत के साथ जाने की आज्ञा दीजिए। वानरराज, आप इस समय हमारे अतिथि हैं, हम आप पर यह भार नहीं डाल सकते। मैं अतिथि नहीं हूं, मैं प्रभु का मित्र हूं। संकट के समय मित्र का धर्म है मित्र की सहायता करना। सो मुझे कृपा करके जाने की आज्ञा प्रदान करें। प्रभु, सेवा का यह अवसर मुझे भी दिया जाए। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि इस कांड में अवश्य कोई गूढ़ रहस्य है। अच्छी बात है, आप तीनों जाइए। सूर्योदय का समय हो गया है, मुझे माताजी के लिए कमल पुष्प लाने जाना है। तो जाओ भैया, चिंता न करो, मैं इधर रहूंगा। यदि महाराज राम आ गए तो मैं तुम्हारे लिए उनको रोक रखूंगा। जब तक तुम नहीं आते मैं उनसे युद्ध करता रहूंगा। अच्छा, मगर हारना नहीं। भैया, गुरुदेव ने कहा था ना कि अब हम संसार में किसी से हार नहीं सकते। जब गुरुदेव का आशीर्वाद साथ में है तो मैं कैसे हारूंगा। अच्छी बात है, कदापि, मैं तो किसी के आने से पहले ही आ जाऊंगा। भैया, माता जी को यह सब कुछ मत बताना, चिंता करेंगी और पूजा में मन नहीं लगेगा। यदि पूजा में मन नहीं लगेगा तो हमारे पिताजी का दर्शन होने में और विलंब हो जाएगा। ठीक कहा तुमने। अच्छा, मैं चलता हूँ। गुरुदेव, आप किस बात पे मुस्कुरा रहे हैं? पुत्री, मायापति की लीला देख रहा था, कैसे एक एक महायोद्धा का गर्व चूर कर रहे हैं। सुंदर बालक, तुमने यज्ञ का घोड़ा पकड़ा है? जी हाँ। परंतु हमने तो सुना था कि आप दो बालक हैं। आपने बिल्कुल ठीक सुना था, हम दो भाई हैं।
प्रसन्न चित लखिय रूप अनूप जैसे सम्मुख हो स्वयं रघुवर बाल स्वरूप। यदि मैं श्री राम का अनन्य सेवक हूं, यदि मेरी भक्ति एक शिशु की भांति निर्मल है, तो मुझे इन दोनों के माता पिता के दर्शन हो। ऐसी मनोहर जोड़ी है, आप लोग किसके पुत्र हैं? जो रणभूमि में खड़े होते हैं उनका परिचय केवल उनका धनुष होता है, उनके बाण बताते हैं उनका पता। हाँ, आप ये बताने की कृपा करें कि क्या आप महाराज राम हैं? नहीं, मैं उनका दास हूं, भरत। ये है महाराज सुग्रीव और ये है वीर हनुमान। श्रीमान भरत, गुरुदेव के कथानुसार आपकी भक्ति सचमुच वंदनीय है, हम उसके लिए आपको प्रणाम करते हैं। महाराज सुग्रीव, आपने राज्य पाकर भी एक वनवासी से जो मित्रता निभाई है वह सराहनीय है। और हे परमवीर हनुमान, आपने भक्ति की चरम सीमा को सार्थक कर दिया है, उसके लिए हम आपको कोटि कोटि प्रणाम करना चाहते हैं। परंतु इस समय आप समर भूमि में प्रतिद्वंदी के रूप में हमसे युद्ध करने आए हैं, इसलिए हम आप तीनों से युद्ध करने पर विवश हैं, हमें क्षमा करना। हम तो अब भी यही कहेंगे कि आप लोग लौट जाएं और महाराज राम को भेजें, हमने तो उनकी चुनौती स्वीकार की है, हम आपसे युद्ध नहीं करना चाहते। हम भी आपसे युद्ध करना नहीं चाहते। बहुत अच्छी बात है, आप जाइए, हम आपको कुछ नहीं करेंगे। परंतु हम श्री राम प्रभु के दास हैं, उन्हीं की आज्ञा से यज्ञ का घोड़ा लेने आए हैं, अतः घोड़ा लिए बिना तो जा नहीं सकते। हम तो कहते हैं घोड़े के संग आपको भी साथ ले चले। बंदी बनाकर? नहीं, यदि मेरे स्वामी का काम हो जाए तो मैं आपको भी अपना स्वामी बनाकर ले जा सकता हूं। हनुमान जी, आप वीर तो हैं ही, अब पता चला कि चतुर भी बहुत है। ऐसी मधुर मधुर बातों के मोह जाल में फंसाकर आप हमें अपने राजा के पास ले जाकर अपनी सफलता का प्रमाण भी देना चाहते हैं और हमें बंदी बनाकर दंड भी दिलाना चाहते हैं। हम इन बातों के जाल में आने वाले नहीं। भैया, सीधा सीधा कहो ना कि हमने महाराज राम की चुनौती पढ़ के घोड़ा पकड़ा है, उन्हें कहो कि स्वयं आए हमसे युद्ध करके या तो घोड़ा ले जाए या हार मानकर चुनौती वापस ले ले। मंगल भवन अमंगल हारी,
सुदशरथ अजिर बिहारी। सीता राम चरित अति पावन मधुर सरस अरु अति मन भावन। पुनि पुनि कितने हो सुने सुनाए की प्यास बुझत न बुझा।